सिवान में शूट आउट। बढ़रिया थाना इलाके के गौसीहत्ता गांव का रहने वाला शहबाज आलम को कैलगढ़ के समीप बेखौफ बदमाशों ने धाएं धाएं करीब 8 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शहबाज आलम की मौत हो चुकी थी। शहबाज के परिजन सिवान के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। शहबाज आलम ब्लैक कार से सिवान की तरफ अपने साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाशों ने घेर कर ताबातोड़ गोलियों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि शहबाज आलम की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ओसामा साहब के बेहद करीबी था शहबाज आलम। सूत्रों के अनुसार बहरिया इलाके में जमीन के कारोबार से जुड़ा था और एक जमीन पर शहबाज आलम से विवाद भी चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार उसी जमीन विवाद में गोलियां चली है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सिवान पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस वारदात के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाएगा। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान के सदर अस्पताल से, जहां पर शहबाज आलम के डेड बॉडी को लाया गया है। आखिरकार शहबाज आलम को बेखौफ बदमाशों ने क्यों गोलियां मारी, इस पूरे मामले पर सिवान के पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इस वारदात में शामिल सभी अपराधियों को जब सिवान पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तभी खुलासा हो पाएगा कि शहबाज आलम को आखिरकार क्यों गोलियां मारी गई थी। ये हम आपको तमाम तस्वीरें सिवान के सदर अस्पताल से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं शहबाज आलम के डेड बॉडी को सिवान के सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। कि जाम होगा, फिर देखेगा, किसी के पास की बात नहीं रह जाएगी। अभी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? अच्छा, है प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम लोग स्पॉट पर गए, सारा चीज लोकेशन हम लोग पता कर चुके हैं। हाँ। कर रहे हैं, ठीक है, कर भी चुके हैं, कर रहे हैं। तो हम इस आश्वासन पर, ठीक है, सारा प्रक्रिया हो गया है पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम के लिए जाए। लेकिन अगर पोस्टमार्टम मिट्टी तो होगा नहीं जोहर पहले, अगर कल अपराधी नहीं पकड़ाता है तो पूरा बड़हरिया जाम हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई नहीं कहेगा कि क्या हुआ। हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि हमें अपराधी चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कोई मुआवजा की जरूरत नहीं है। बताइए, एलएलबी किया हुआ लड़का का हत्या हो गया, अब इतना लापरवाही। कल कोर्ट भी जाम होगा, ऐसा नहीं है, कल कोर्ट में भी बात पहुंचेगा, उसका सर्टिफिकेट पहुंचेगा। लोग तो बता रहे हैं 3 बजे का। कैसे घटना के बारे में लोग बताया कि ये बढ़रिया साइड से जा रहे थे अपने घर को, आ इनके घर के तरफ से कोई स्कॉर्पियो आ रही थी, तो लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। माने वो चढ़ा रहा था गाड़ी पे, तो ये लोग रोक दिया गाड़ी साइड में, और रोका, ठीक है, लड़का हीरो है वहाँ का, वहाँ उसका घर है, उतरा वो गाड़ी से कि कौन है भाई, कि चला सीधे ला रहा है गाड़ी पर, जब तक ये लोग फायरिंग शुरू कर दिया। उसमें जो लड़के भाग भाग बैठे थे वो भाग चले, ये भी भागा, उसके बावजूद दौड़ा कर लोग गोली मारे। छोटा सा घटना है नहीं, बहुत बड़ी घटना है। कितने गोली की बात पता चली है? अभी ये हमको नहीं मालूम है कितने गोली, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 8-9 गोलियां लगी हैं। अभी प्रशासन से बात हुई थी, अभी थे वहाँ पे, क्या बात हुई है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे और अपराधी को पकड़ेंगे। इतना समय क्यों लगा फिर? अभी तो प्रशासन बताएंगे ना। आप लोगों ने पूछा होगा ना, कारण पूछा होगा ना? उन्होंने बोला कि यहाँ पहले हम लोग आए, पहले सिटी हॉस्पिटल गए, और सिटी हॉस्पिटल से फिर हम लोग स्पॉट पे गए, फिर वहाँ से हम लोग खोखा बरामद करके वहाँ मिला, फिर हम लोग ला के फिर हम लोग चपरा। उनके परिजन ने क्या कहा? ऊपर मेरे कुछ नहीं बोले, ये मेरा फुफेरा भाई है। अच्छा, आपके फुफेरा भाई, आपका नाम क्या होगा? ओह, मेरा नाम डॉक्टर सोरावाला हूँ। डॉक्टर सोरावाला,